हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा दिल्ली में जो करोल बाग में कॉलेज है आयुर्वेदा का, तो उसकी हम यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। आयुर्वेदा एंड यूनानी तिबिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल करोल बाग न्यू दिल्ली, तो इसकी जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ मेंशन की हुई है, देखो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ अलग होती है, ऑल इंडिया कोटे की भी कट ऑफ हम यहाँ पर दिखा देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर जो मेन जो कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेट कोटे वाले के लिए। अब स्टेट कोटा कैसा, अब जब ये तो डीयू से एफिलेटेड कॉलेज है तो ये डीयू इंटरनल कोटा के अंडर में आएगा, वो कहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे, वो डबल ए ट्रिपल सी में आप पार्टिसिपेट करोगे, काफी कुछ अपडेट करना पड़ता है इनकी जो वेबसाइट है, तो उस पे जाकर आपको अपडेट करना होगा, उनका कुछ कोटेशन और ब्रोशर वगैरह भी आ गया हो तो वहां पर भी आपको रेगुलर अपडेटेड रखना पड़ेगा। तो यहां पर जो हम लोग बात करने वाले हैं डीयू इंटरनल कोटा 85% की, तो बहुत मुश्किल में ये थोड़ा सा डेटा मिला हुआ है ना, तो राउंड वन की कट ऑफ मैंने मेंशन कर ली है, राउंड टू का कर लिया है, देन मॉपअप राउंड का कर लिया है, देन एक्सपेक्टेड क्या डेटा रख सकते हैं हम लोग। तो अगर आप डीयू इंटरनल कोटे के लिए अप्रोच करते हो डबल ई ट्रिपल सी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे से, तो आपका 573 स्कोरिंग तक लास्ट ईयर गया हुआ था राउंड वन में, और देन मैं बोलूंगा सबसे जो कम गया हुआ है वो राउंड वन में यहीं पर गया हुआ है। उसके बाद में EWS कैंडिडेट की बात करूंगा तो 559, तो मतलब राउंड वन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। OBC में 540 तक गया था, यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर गई है, मतलब अप चली गई, काफ़ी ऊपर चली गई है। SC कैटेगरी में देखोगे 445 तक यहाँ गया हुआ है, तो 441 तक यहाँ पर गया हुआ है, तो मतलब SC के लिए थोड़ा से बहुत कंसिस्टेंसी रही है, और कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी एक मॉपअप राउंड में हमको देखने को मिला है। बाकी जगह अगर हम देख रहे हैं तो मॉपअप राउंड में थोड़ा सा और कट ऑफ ऊपर चला गया है। उसके बाद में ST कैंडिडेट की बात करें 383 तक यहाँ पर मिला हुआ था, लास्ट में जो मॉपअप में मिला हुआ 341 पे, तो ये मॉपअप राउंड का डेटा है। तो मैं बोलूंगा कि जो एससी और एसटी वाले हैं तो उनको एक बार कहीं ना कहीं मॉपअप राउंड में काफी कुछ कैंसलेशन का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू और भी कॉलेज में मूव ऑन हो रहे होते हैं, तो इस एक काउंसलिंग फ्लक्चुएशन का ये थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेंगी, तो जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आपको आयुर्वेदा एंड यूनानी वाला कॉलेज चाहिए, सिर्फ आयुर्वेदा की बात कर रहा हूं यहां पे, यूनानी का जो इनका कैंपस है वो दूसरा है, तो आयुर्वेदा के लिए मैं बोलूंगा 570 से 580 के बीच में इस ईयर के लिए एक सेफ स्कोरिंग रहेगी आपकी, बिकॉज लास्ट ईयर 573 तक गया हुआ था, तो इस बार लेकर चलो कि आराम से 570 तक तो आपको मिलने वाला है। थोड़ी सी अगर कट ऑफ जो वैरी करेगी, जो हाई जाएगी राउंड टू में या मॉपअप में, तो वो आपकी 580 तक जा सकती है, 85 तक जा सकती है। उसके बाद में EWS की अगर मैं बात करूँ तो EWS हमारा 560 से 565 के बीच में वैरी करेगा, और OBC NCL हमारा 555 से लेके 565 तक वैरी करेगा, और SC कैंडिडेट की बात करो तो 440 से लेके 450 के बीच में वैरी करेगा, और ST कैंडिडेट की बात करो तो हमारा 350 से 370 के बीच में वैरी करेगा। तो वीडियो आज की यहीं तक, आई थिंक ये कट ऑफ वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह से और भी छोटी छोटी वीडियो चाहिए और भी अच्छे अच्छे कॉलेज पे, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस कॉलेज पर इस तरह की वीडियो चाहिए कि जिस पे हम मार्क्स के भी यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड डेटा दे पाएँ आपको। आई थिंक आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल पा रही होगी, अदरवाइज उसके बाद भी कुछ डाउट क्वेरीज रह जाए करें तो प्रॉपर कमेंट कर सकते हो, तो उस पर भी हम लोग वीडियोज लाएंगे, और अदरवाइज एक ऑप्शन और भी है, आप हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हो, कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो आप उनसे भी डिस्कस करके अपना सॉर्ट आउट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।